हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें हमारी ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर आते हैं ब्रिटेन के संविधान पर। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। फिर बात करते हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर बात करते हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होती है राज्यों की अपेक्षा, फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी ऐसी शक्तियाँ जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची से इतर हों। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारी चीज़ें ली गई हैं कनाडा के संविधान से। फिर बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर बात करते हैं हम लोग जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था को लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल क्रमशः हमारे देश में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिसमें धारा जो आर्टिकल 352 है, ये हमारा संबंधित है नेशनल इमरजेंसी से, और आर्टिकल 356 ये संबंधित है राज्यों में प्रेसिडेंट रूल से, और आर्टिकल 360 ये संबंधित है हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। फिर बात करते हैं कि हम सोवियत संघ या रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से। फिर हमारे प्रस्तावना में तीन शब्द आते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों भी हमारे रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर आता है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सारी चीज़ें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से।